जय भीम जय भारत। मैं बूटा सिंह सोहता और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अंबेडकर मिशन न्यूज चैनल हिम्मत सच दिखाने की। और मेरे साथ में कैमरामैन दविंदर सिंह आज फाजिलका के न्यू बस स्टैंड में जो नौजवान समाज सेवा संस्था के जो सदस्य है हमारे साथ जुड़े हैं और बातचीत करेंगे। आज का जो 14 अप्रैल 2024 का जो माहौल रहा है बातचीत में पता करेंगे। मेरा लवली वाल्मीकि जी जी, तो आज का जो माहौल है 14 अप्रैल 2024 का कैसा रहा है? सब तो पहला तो जय भीम जय भारत। सब तो पहला मैं देशवासियों नू अज दे जन्म दिहाड़े ते बाबा साहब दे जिहड़ा जन्म दिहाड़ा उहदे ते बहुत बहुत वधाई दिंदा। नौजवान समाज सेवा संस्था वालों ये प्रोग्राम इत्थे मिथ्या गया है ते समूह समाज नू लैके अज चेतना मार्च कढ़िया गया है जो कि समाजिक कुरतियां दे खिलाफ ये चेतना मार्च निकाला गया है ते उस दे विच समूह समाज साडे नाल इस विच नाल चलिया। तो मैं धन्यवाद करना शहर वासियों का फाजिलका वासियों का तो मेरे जिहड़े पिंडां तों भरा आए उन्होंने का भी मैं बहुत धन्यवाद करना जिहड़ा कि बाबा साहब नू नमन करन वास्ते इत्थे पहुंचे सी। आज जो नौजवान समाज सेवा संस्था से जो अपने साथ में थे जो नौजवान तो कैसा उनका जो सहयोग रहा है? नौजवान भरावां दा बहुत उत्साह सीगा, मैं वेख्या सीगा बहुत ही भरा मेरे पिंडां तों आए ने चल के, जबकि अबोर तो भी जलालाबाद तो भी भरा मेरे आए ने, बहुत उत्साह सीगा क्योंकि नौजवान समाज सेवा संस्था का टीचा हमेशा लोगों की भलाई वास्ते हुंदा है ते घटो घट असीं 500 यूथ जिहड़ा लड़का अपने नाल जुड़िया है ते नौजवान समाज सेवा संस्था का हमेशा ही काम लोगों की सेवा देना उन समाज की सेवा करना हुंदा जी। क्या हम उम्मीद गल लगाएं कि आने वाले समय में और भी यहाँ से गठबंधन जो होगा? सर समूह समाज नूं लै के रैली निकली गई है ते जिहड़े मेरे यूथ भरा ने उन्हां दा उत्साह हुण के बार मैं बहुत ही वेख्या सीगा बाबा साहब दे प्रति ते मैं धन्नवाद करना उन्हां दा भरावां दा यूथ भरावां दा ते जल्दी असीं नौजवान समाज सेवा संस्था वालों एक जिम भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि नशियां तों दूर हो के असीं जिहड़े यूथ भरावां नूं वधिया सेवावां देवांगे तंदुरुस्त करन वास्ते। कुछ ऐसा भी मतलब अपने सोच में आता है कि जो नशे की दलदल में दसे हुए हैं उनको कैसे बाहर निकालें? वैसे तो सर पंजाब सरकार प्रशासन शासन काम कर रहा जी, असं भी भरावों को बेनती करने आपके वालों प्रचार करने भी नशे नू ना तो जिंदगी नू हा ते इस करके वो जिम का जिहड़ा असी टीचा मिथ्या है लोग अपने भरावों यूथ भरावों नू चंगी सेहत देने वास्ते उतना ही कर रहे हैं जी। आज का जो मतलब नौजवान जो अपने मित्र है उनको कैसा मैसेज देंगे? सर उन्होंने यूथ भरावों नू मैं यही कहांगा कि समाज सेवा का काम करो, इस विच तुहाडा ना तुहाडे माता पिता का ना अपने शहर का ना नाम रोशन होएगा तो अच्छा अच्छा मैसेज आएगा जी। आज क्या नाम अपना जी? मेरा नाम विनय परवाना, महासचिव नौजवान समाज सेवा संस्था जी। तो कैसा मैसेज आज आप देना चाहोगे फाजिलका वासियों को और पंजाब वासियों को? पहले तो मैं पूरे विश्व को आज बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि बाबा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की और उसी संविधान के तहत हमारा ये देश चलता है। और मैं अपने जो भाई जो आए हमारे रैली में शामिल हुए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज हमें ज़रूरत है नई पीढ़ी को बाबा साहब के संविधान को समझाने की, क्योंकि अगर जिसने बाबा साहब का संविधान समझ लिया वो आदमी बहुत बुलंदियों पर जा सकता है। तो इसलिए आज भी हमें ज़रूरत है, जो हमारे सोए हुए लोग हैं उनको जगाने की ज़रूरत है हमें। तो मैं इस आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि घरों में बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपने संविधान को बचाने के लिए इसके लिए संघर्ष करना होगा। तो मैं इसी के साथ मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज इस रैली को कवर किया और बाबा साहब की जो शिक्षा थी उसको घर घर पहुँचाने का आपने जो बीड़ा उठाया है, इसलिए मैं नौजवान समाज सेवा संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने उनसे बातचीत की है तो उनका मैसेज कुछ अच्छा रहा है तो आगे भी बातचीत करेंगे हम जी। सर
ਕੀ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਹਾਨੀ ਪਰਵਾਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹਜੂਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੁਵਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਹਮੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਆਜ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਹਮ ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਆਗੇ ਲਾਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।